नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज बनाते हैं आम का अचार, वो भी बिना मसाले का, फटाफट बन जाएगा जल्दी। ये देखिए, हमने आम ले लिया है, 2 kg है। इसको ऐसे काट लिए हैं, आप मार्केट से भी कटवा सकते हैं। मेरा घर का आम है। बताइए कैसे लगे? बिल्कुल कोई झंझट नहीं, जल्दी बन जाता है। आप अगर मार्केट से कटवा के ले आते हैं तो फटाफट बन जाता है। मसाला भी कुछ नहीं है इसमें। पूरा साल भर, 2 साल 5 साल आप ये आराम से इसको रख सकते हैं। प्लीज़ अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, भूलिएगा नहीं भाई। आप लोग कंजूसी करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ये देखिए, आम काट लिए हैं, इसको साफ कर लिए हैं अच्छे से। बस इसमें मेथी और राई बस डालना है, इसके अलावा कुछ नहीं डालना है। ये एक टेबल स्पून हमने ले लिया है राई, सॉरी मेथी, और उसका 3 टेबल स्पून राई। ये देखिए, थोड़ा सा बिल्कुल हल्का रवो करना है आपको, भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। तवा गरम हो जाए 1 मिनट के लिए। बहुत ही अच्छा लगता है, बना के देखिएगा, कोई मसाला नहीं डालना है। बस यही है मसाला इसका। ये ठंडा हो जाने देते हैं उसको। ये तेल ले लिया है हमने 100 ग्राम, इसमें मेथी डाल दिया है, ये राई 1 टेबल स्पून, देखिए आवाज़ आ रही है चटकने की। ये लहसुन, लहसुन भी नहीं पीसना है, ऐसी खड़ा डाल देना है इसमें। अगर आप चाहें तो लहसुन स्किप कर सकते हैं। ये लाल मिर्ची है 15 से 20, बहुत जल्दी बन जाता है। ये मसाला मेरा ठंडा हो गया है, इसको पीस लेते हैं। प्लीज़ बताइएगा आपको कैसी लगी। ये देखिए, इसमें पूरे मसाले, यही मसाला डालना है जो लिया था हमने, पीसा है। हल्दी डाल दिया है 1 टेबल स्पून, नमक है, नमक अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। ये 3 चम्मच पूरा डाला है हमने। ये कश्मीरी मिर्च डाल दिया है 1 टेबल स्पून, आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये गुड़ है, 100 ग्राम। इसको हमने कूट लिया है। ये तेल अच्छे से ठंडा हो जाए तभी डालना है इसमें मसाला में पूरा। अब इसको 2-3 घंटे के लिए ऐसे मिला के इसको रखना है, जब पूरा पानी छोड़ देगा फिर उसके बाद आके दिखाते हैं आपको। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, खाने में तो बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके पास टाइम नहीं तो ये वाला अचार ज़रूर बनाइएगा। ये साउथ का फेमस अचार है आम का। ये देखिए पूरा पानी छोड़ दिया है हमने, 2-3 घंटे के लिए रख दिया था, गुड़ का पानी जो होता है पूरा। ये देखिए तेल पानी दोनों,
जब ऐसे पानी छोड़ दे आपका पूरा, ये हमने अब इसको उबाल रहे हैं। ये देखिए ज़्यादा नहीं उबालना है आपको, बस 15-20 मिनट उसका पानी अच्छे से सूख जाए। अब आपके बर्तन के ऊपर डिपेंड करता है कितना मोटा बर्तन है आपका। पानी उसका पूरा अच्छे से सुखा देना है। ये देखिए पूरा पानी गुड़ का सूख गया है। ये देखिए पूरा तैयार हो गया। अब इस स्टेज में हम गैस बंद कर देते हैं। पूरा पानी सूख गया है इसका, एयर टाइट डिब्बे में रख लीजिए।